एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे ऊपर वाले घर के पास कुफ्ट बूट, और यहाँ से मुझे जाना है अभी जंगल, क्योंकि मुझे जंगल से लानी है मिट्टी लिपाई करने के लिए। दीदी के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चल बोल, किसने सिखाया तेरे को ये? शुभ आंखें खोल ऊपर, रिशु गिरेगा बे। देखी देखी देखी। यहाँ पर जा रही हम मिट्टी के लिए। यहाँ पर पीली मिट्टी की छोटी सी खान है, और यहाँ से मैं अभी मिट्टी ले जाऊंगी। और यहाँ पर जो लोगों ने ये खोद के रखा है, ये काली काली हो गई है, तो इसको साइड करना पड़ता है और नई मिट्टी खोदनी पड़ती है। तो अभी मैं मिट्टी खोदती हूँ, और यहाँ पर मिट्टी की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और गाइस देखिए, यहाँ से पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और टिकर इतनी ना पापा, इतना टिकर। ये क्या हो रहा? पापा मैट, पापा कई डर लगो। ये होती है पीली मिट्टी, जिससे घर की लिपाई की जाती है, और ये ऐसी स्पेशल स्पेशल जगह पर मिलती है। तो मैंने अभी आधा बोरू कर लिया है और ये काफ़ी होगा। अभी मैं चल पड़ी हूँ घर के लिए, और जंगल को गए थे हम ऊपर 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 ऊपर, और वहाँ से यहाँ वाले घर के पास तक ना मैंने इसको बिल्कुल कंधे पे उठा के लाया, और उससे मेरी बाजू में दर्द हो रही थी, तो अभी मैंने रस्सी में लगा लिया है, और अभी बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया है उठाने के लिए। और जैसे मतलब 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से ये मतलब मिट्टी गिल्ली हो गई थी, और अब उठाने के लिए भी बहुत भारी भारी है। तो दिखने में थोड़ी सी लग रही है, पर उठाने के लिए काफ़ी भारी है। तो अभी मैं चलती हूँ घर के लिए। अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, और मैं काट रही हूँ प्याज, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा मसाला और नमक, तो उसको अच्छे से पीस लेंगे। अगर कोई मिर्च डालना चाहता है तो डाल सकता है, पर हम मिर्च बाद में थाली में ही डालते हैं, ऐसे कोई खाता है कोई नहीं खाता है। अभी इसका अच्छे से घोटा मसाला तैयार करना है, और अभी पता चला कि लहसुन नहीं है, तो मैं लहसुन की पत्तियाँ खेत से तोड़ के ले आई, क्योंकि लहसुन का और लहसुन की पत्तियों का स्वाद एक जैसा ही होता है, तो इससे भी अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में घोटा करना बोलते हैं, मतलब प्याज लहसुन मसाले वगैरह एक साथ कूटना, और इसको हम इसी सिलबट्टे पर हमेशा कूटते हैं। और जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी मैंने बॉईल करने के लिए लगाई थी, तो ये भी अच्छे से पक गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा और थोड़ा पक्का रखना है, क्योंकि अभी ये बाद में और भी पकेगी। आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
अभी मैं इसको निचोड़ निचोड़ के इससे पानी अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें पानी रह जाता है तो इसका स्वाद खराब हो जाता है, उतना टेस्टी नहीं लगता। तो अभी देखिए इससे धुआं उठ रहा है और मेरे हाथ जल रहे हैं। अभी मैं पूरी सब्जी को निचोड़ के फारिग हो गई हूँ और अभी इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये है सरसों का तेल, और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अभी तेल अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम डालेंगे इसमें घोटा, जिसमें हमने प्याज, लहसुन की पत्तियाँ, गरम मसाला और नमक वगैरह पीस के डाला है। अभी इसको थोड़ा ब्राउनिश होने तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, जो पैकेट वाले मसाले होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर इसमें मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि हमारे घर में पैकेट वाले मसालों का यूज़ नहीं किया जाता है खाना बनाने में। अभी मैं इसमें सिर्फ हल्दी डालूंगी। तो अभी हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे, और फिर हमारी करेड की सूखी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और किसी को अगर सूखी सब्ज़ी इसकी अच्छी लगती है तो वो सूखी खा सकता है, और किसी को लस्सी के साथ अच्छी लगती है तो वो लस्सी लगा लें। और ये देखिए हमारी करेड की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और मैंने कुछ सब्ज़ी सूखी निकाल दी है और कुछ सब्ज़ी में हम लस्सी लगाएंगे। सूखी इसलिए निकाली है क्योंकि मेरे को सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी लस्सी वाली सब्ज़ी की अपेक्षा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैंने पहले चख के भी देख ली और अभी और खा रही हूँ। गांव में रहने के यही फ़ायदे हैं कि हमारे को ये सब सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाती है पेड़ों से, बस तोड़ने भर का कष्ट करना पड़ता है, और बाज़ार में यही सब्ज़ी बहुत महंगी मिलती है। अभी मैंने सब्ज़ी में लस्सी लगा ली है और अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। अभी सब्ज़ी में उबाल आ गया है और देखिए सब्ज़ी कैसे खौल रही है। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, क्योंकि अभी इसमें सब्ज़ी अलग लग रही है और जो इसमें लस्सी डाली है वो थोड़ी अलग दिख रही है। तो इसको अभी थोड़े 10-15 मिनट तक और कढ़ने देंगे और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। बाय बाय।